आप हमेशा एक चीज नहीं बता पाओगे। आपको अगर रामायण में राम को दिखाना है तो रावण को भी तो दिखाना पड़ेगा ना। अब ये रावण आप प्ले करोगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, और रावण उस कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म राइटिंग से आता हूं तो हम तो ऐसी सेंसरशिप के साथ ही पले बड़े हैं, तो हमारे लिए इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स इनफैक्ट एन अपॉर्चुनिटी। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं शशांक खेतान और जयदीप अहलावत। बोथ ऑफ यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग अस। जयदीप, आपका जो कैरेक्टर है अजीब दास्तान्स के जी एंथोलॉजी में, लेयर्ड भी है और उसको हम दो साइड्स देखते हैं। एक तरफ तो ही डिमांड्स दैट रिस्पेक्ट, दूसरी तरफ हम देखते हैं दैट एक सीन में कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन। कितना समय ठीक लगता है किसी कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए? एक बार अगर उस किरदार का थॉट प्रोसेस समझ में आता है ना, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है उसको उसको समझना कि वो किस तरह से बिहेव करने वाला है किस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और फिर मैं जेनरली कहूंगा उसके लिए ये जिम्मेदारी शशांक की थी और उसने निभाई, क्योंकि तो उसने वो लिखा है, उसने वो पर्दे पे उतारा है उस किरदार को। मेरी शायद तैयारी इतनी थी कि मैं उसकी लिखी हुई जो बातें हैं, उसकी लिखी हुई जो किरदार है, उनकी उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाऊं, और उसके साथ साथ वो जो बिहेवियर है उनका, वो उसके पीछे रीजन क्या है, ये समझना मुझे लगता है कि एक्टर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछते हो अपने डायरेक्टर से और बात करते हो अपने पॉइंटर से बात करते हो। हम सब कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और तो उन इस पर्टिकुलर बबलू भैया के लिए वो किस तरह से लाइफ है, ये बात जब मैंने कुछ अपने सवाल किए कि इतनी टाइम में ये बात पहुंच पाएगी, 30 मिनट का टाइम है, 35 मिनट का टाइम है, या इतनी देर में हम वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं इन किरदारों की वो ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे, ये जब मैंने पहली बार उसको पढ़ी तो सवाल दिमाग में उठता है। शशांक, डिफिकल्ट है या आसान के शॉर्ट फिल्म में आप इतना कुछ बता सकें? आपने कई तरह की फिल्म्स पर काम करा है, धड़क हो गई, हम्टी शर्मा जैसी मसाला फिल्म भी, तो क्या डिफरेंस क्या था इस वाले को बनाने में? मैंने इसको हमेशा सोचा था कि मैं 30 मिनट में भी फीचर फिल्म ही बनाऊं। मेरे दिमाग में वही थॉट प्रोसेस था। सो मेरे लिए इट स्टिल हैड अ बिगनिंग, मिडल एंड एंड। ओनली थिंग विच आई वाज कॉन्शियस ऑफ, जो मैं सोचते जा रहा था, कि बिकॉज 30 मिनट है मेरे पास, ऐसा कोई भी सीन है, हर कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो इमिडिएटली होना पड़ेगा। आई हैव टू बी अवेयर कि एक सीन में तीन चीजें हो जाए, तो आपकी इमोशनल ग्रोथ भी दिखे और कॉन्फ्लिक्ट भी दिखे। कभी कभी जब आप फीचर फिल्म के लिए लिखते हैं तो यू कैन स्पेंड वन सीन जस्ट एस्टेब्लिशिंग द कैरेक्टर, और फिर अगले सीन में आप कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये फिल्म है बहुत जरूरी था, और जो एंथोलॉजी है अजीब दास्तान और फिर मजनू की जो कहानी है, कि पहले ही सीन में आपको थोड़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाए। पाताल लोक बहुत पॉपुलर हुआ, जो रोल्स आ रहे हैं आपके पास, जी क्या उसमें डिफरेंस आप फील करते हैं? एंड एज एन एक्टर, क्या अब लगता है कि जैसे आप रोल्स करना चाहते थे अब वो फाइनली आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो जरूर आ रहे हैं, क्योंकि एक इतनी लंबी कहानी का जब आप हिस्सा होते हो, उसके जब आप नायक होते हो, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स को आपके ऊपर भरोसा हो जाता है थोड़ा सा कि हाँ, एक लंबी कहानी को भी हैंडल कर सकते हैं। तो अब भगवान की दया से बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट भी आ रही है, और उनको पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज हो गया, क्योंकि आप कितनी स्क्रिप्ट पढ़ोगे, हर दिन दो स्क्रिप्ट आई जाती है। तो मेरी ना विजय वर्मा से भी बात हुई थी अभी रिसेंटली, तो जी उन्होंने भी मुझसे सेम चीज बोली कि अब गली बॉय के बाद से उनके पास बहुत जी स्क्रिप्ट मिली है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अब डेलीगेट कर दिया है और लोगों को देखने बोल देते हैं और फिर आते हैं आप। मैं वो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे फाइनल डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है। अगर मैं किसी को डेफिनेटली हो सकता है किसी कोई सेम स्क्रिप्ट पढ़ के किसी को बहुत अच्छी लगे और मुझे वो पढ़ के लगेगा कि नहीं ये नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ये डिसीजन मैं किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है, तो मुझे एक बार तो जरूर उसको गो थ्रू करना पड़ता है, और अगर कोई ऐसी नौबत आई गई कि जहाँ नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर हैं कुछ लोग उनको बोलता हूँ, जिनको मुझे लगता है कि हाँ, इनकी थॉट प्रोसेस कुछ है मेरे जैसा स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ के एक आइडिया देते हैं कि ये पढ़ने लायक है या नहीं। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ फिल्में होती हैं ऐसी, मतलब उन स्क्रिप्ट में से 50% स्क्रिप्ट ऐसी हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, वो बस है, तो एटलीस्ट वो 50% आप हटा देते हो कि चलो इनको इनके गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। राइट, बट सेकेंड सीजन का क्या है? मतलब अभी हो रहा है, इज इट इन द मेकिंग?
नो इट्स नॉट इन द मेकिंग, क्योंकि अभी कुछ पूरी तरह से मुझे लगता है कि हम सब फ्री नहीं हुए हैं इस सिचुएशन से, कोविड से जी, बट तैयारी है, तैयारी है, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। पैंडमिक के बाद, जब से पैंडमिक शुरू हुआ है तब से हम ऑनलाइन सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर, क्या आपको लगता है कि इसके बाद जिस तरह का कंटेंट ऑडियंसेस देखना चाहती हैं उसमें कुछ फर्क आएगा? मुझे लगता है कंटेंट नेचुरली अपने आप इवॉल्व होता है, बिकॉज हर जो एक बड़ी घटना होती है वो लाइफ को इम्पैक्ट करती है। नाउ दिस पैंडेमिक हैज इम्पैक्टेड लाइफ, इट हैज इम्पैक्टेड ह्यूमन बीइंग्स इन डिफरेंट वेज। उसके कारण बहुत सारे बदलाव आ गए हैं लाइफ में, सोसाइटी में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में, एंड इमिडिएटली कहानियां कुछ ना कुछ उसको रिफ्लेक्ट करेंगी इन देयर ओन वेज। कुछ डायरेक्टली उन चीजों को दर्शाएगा, कुछ इनडायरेक्ट। आई थिंक व्हाट इट हैज गिवन द मोस्ट इज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स को, टैलेंट को, एक्टर्स बोल लीजिए आप, म्यूजिक कंपोजर्स, एवरीवन, दे नाउ हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे लगता है इट्स गोइंग टू ओनली एड टू द ग्रोथ प्रोसेस। यू नो, एक जमाना था जब फॉर एग्जाम्पल जयदीप और मैं, हम लोग रफली एक साल के गैप में फिल्म स्कूल से आए थे, तब हमारे पास एवेन्यूज एकदम कम थे, हमारे पास एक दो ही मीडियम थे जहां पर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते। आप हर चीज देख सकते हो, आप सिनेमा में स्टार भी देख सकते हो, वहां के अपने स्टार हैं, वहां मुझे लगता है कि ये जो कहानियों के जो नायक होते हैं ना, ये कहानियों के जो किरदार होते हैं, वो आपको एंटरटेन करेंगे चाहे आप किसी भी पर्दे पे देख लो। तो और ज्यादा पर्दे होंगे, ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, तो सबको लिबर्टी मिलेगी, राइटर्स को लिबर्टी मिलेगी कुछ अलग लिखने की, कुछ नए किरदार लिखने की। अभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के पॉपुलैरिटी की वजह से अभी रिसेंटली हमने देखा है कि सेंसरशिप की भी बातें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि सेंसरशिप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिधर व्यूअर खुद चूज कर सकते हैं, फिल्टर्स होते हैं, उन पर भी अप्लाई होना चाहिए? कि जब भी कोई भी एक बात होती है रिस्ट्रिक्शन की, सेंसरशिप की है, हमें बहुत फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, हमेशा मेरा पहला रिस्पांस यही होगा टू से कि नहीं, कुछ भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए या कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। पर एक रियलिटी ये भी है कि एज यू कीप ग्रोइंग यू आर इम्पैक्टिंग मल्टीपल लाइव्स, और एक जो इंडिया का सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है आप उसको कम्प्लीटली नकार नहीं सकते, देयर इज अ रियलिटी दैट वी लिव इन। तो आई थिंक ऑल द टाइम एवरी वन इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस समवेयर, ताकि क्रिएटिव लोग भी खुश हों और एक काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम मेंटेन कर सके। बट इज इट रिफ्लेक्टिंग इन द राइटर्स रूम ऑलरेडी, बिकॉज सो फार वी वर सीइंग स्टोरीज बीइंग टोल्ड विद नो होल्ड्स बार, एंड राइट नाउ ऑफ कोर्स यू नो इवन ऑन द फिल्म फ्रंट कई बार ये भी डिस्कशन हो चुका है कि आप सर्टिफिकेट की तरफ जाए इंस्टेड ऑफ यू नो कंप्लीटली सेंसरिंग अ फिल्म। तो उस तरह के डिस्कशंस क्या आप ऑनलाइन स्पेस के लिए भी हो रहे हैं? जी, मैं तो फिल्म राइटिंग से आता हूं, तो हम तो ऐसी सेंसरशिप के साथ ही पले बड़े हैं, तो हमारे लिए इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स इनफैक्ट एन अपॉर्चुनिटी। हम डर से लिखें कि खुल के लिखें, बट आई थिंक अगर हम उसे ऑर्गेनिकली सोचें और रियलाइज करें कि हम जो कहानी बोलना चाह रहे हैं उसकी ऑडियंस कितनी बड़ी है, हम कितने लोगों को रीच करना चाह रहे हैं, अगर हम उसको करें तो आई थिंक दिस एडवर्सिटी कैन गिव बर्थ टू अपॉर्चुनिटी। जयदीप, इसी तरह जब तांडव वाला पूरा एपिसोड हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अगर एक्टर हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी आया, स्क्रिप्ट भी आई है, आपने साइन करा है, तो आपको कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मगर इस तरह क्या आपको लगता है कि जस्टिफाइड है, कि क्योंकि एक एक्टर हर तरह का किरदार प्ले करता है? क्या है ना कि आप हमेशा एक चीज नहीं बता पाओगे। आपको अगर रामायण में राम को दिखाना तो रावण को भी तो दिखाना पड़ेगा ना। अब ये रावण आप प्ले करोगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है इस एक तरह से, क्योंकि रावण आप नहीं, आप खाली वो किरदार दिखा रहे हो। तो क्या होता है कि फिर अगर इस तरह के रेस्ट्रिक्शन होंगे तो फिर कहानियां मुझे लगता है थोड़ी खराब होने लगेंगी, क्योंकि कोई रावण करना नहीं चाहे, और रावण उस कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्योधन उस कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अर्जुन को दिखाना है तो आपको दुर्योधन को दिखाना पड़ेगा। तो जो एक्टर दुर्योधन प्ले करेगा वो उसका उसने नहीं लिखा है, लेकिन अगर कहानी आप तक आप तक पहुंचानी है, अब आपको कहानी सुननी है नहीं सुननी, ये आप डिसाइड करो, एज सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, गुड लक फॉर अजीत दास्तान। थैंक यू दीक्षा, प्लीज स्टे सेफ।